नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अगर आप धोनी के फैन हैं या भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो अगले 48 घंटे में बड़ा ऐलान हो सकता है। आज 16 जुलाई है, वेस्टइंडीज की वनडे और T20 टीम का ऐलान 19 जुलाई को हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मीटिंग को एक दिन के लिए टाल दिया जाए, 20, यानी कि तब तक आपको धोनी के मुतल्लिक बड़ा ऐलान पता चल सकता है, बड़ी खबर आ सकती है और खबर उनके रिटायरमेंट को लेकर होगी। क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उससे पहले तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि धोनी रिटायरमेंट का ऐलान करते, वो धोनी करे या बीसीसीआई करे। दूसरा विकल्प यह है कि उस दिन टीम चुनी जाए और सिलेक्टर्स डिसाइड करें कि धोनी की उस टीम में जगह है या नहीं है। या फिर तीसरा विकल्प, फेयरवेल मैच दिया जाए। हिंदुस्तान का ये महानायक चुप है और इनकी यह चुप्पी सबसे ज्यादा शोर कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप के आखिर में वो चुप रहे और दुनिया भर में उनकी बातें होती ही रही। ठीक वैसे ही बातें हो रही हैं। मामला थोड़ा अलग है, इस बार स्ट्राइक रेट औसत या रन का नहीं, माही के मन का है। धुकधुकी लगाकर धोनी के फैसले का इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान। दरअसल तीन दिन में वेस्टइंडीज के लिए सेलेक्टर्स टीम चुनने वाले हैं, यानी इन्हीं तीन दिनों में टूटेगी धोनी की चुप्पी। उन्हें फैसला करना है कि उनका आगे का प्लान क्या है। वो रुकेंगे, वो इंतजार करेंगे या संन्यास लेंगे। तीन बातें हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि धोनी शायद इसलिए चुप हैं क्योंकि वो हार के दर्द से उबरने में लगे हैं। जब पूरा देश दुखी हो तब शायद एक और दुख नहीं देना चाहते। वो शायद किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने मन की बात मन में ही दबा ली थी। ये हो सकता है कि धोनी के करोड़ों प्रशंसक चाहते भी यही हैं। यहां तक कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने भी धोनी से कहा था, संन्यास लेने की बात मन में भी मत लाइएगा धोनी जी, देश को आपकी जरूरत है। वाकई कप्तान विराट को धोनी की जरूरत तो है। वनडे में फील्ड सेटिंग से लेकर अहम फैसले अब भी धोनी करते रहे हैं, मगर इस मुकाम पर धोनी अगर रिटायर नहीं होते हैं तो फिर चयनकर्ता उन पर फैसला ले सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि चयनकर्ता उन्हें वेस्टइंडीज जाने वाली टीम में चुने ही नहीं। जिस कप्तान ने भारत को इन बेमिसाल तोहफों से नवाजा, जिस कप्तान ने कमान संभालते ही टीम को T20 में वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, जिस कप्तान की रणनीति का तोड़ 2011 वर्ल्ड कप में किसी और कप्तान के पास था ही नहीं, जिन्होंने 28 साल का इंतजार खत्म कर देश को वनडे में भी चैंपियन बनाया, फिर 2 साल बाद इंग्लैंड में जाकर टीम को चैंपियनों का चैंपियन, उस कप्तान की विदाई शानदार तो होनी ही चाहिए। तो हो सकता है कि विराट ने चयनकर्ताओं के साथ मिलकर धोनी के लिए कुछ प्लान किया हो, प्लान मैदान से विदाई देने का। मगर फिलहाल देश में कोई वनडे सीरीज नहीं है। जनवरी में दक्षिण अफ्रीका यहां वनडे खेलने आएगी, हो सकता है कि तब रांची में वनडे कराकर उन्हें शानदार विदाई दी जाए। अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी कप्तान से लेकर मुख्य चयनकर्ता और बीसीसीआई को होगी ही, क्योंकि धोनी कभी भी शोर मचाने वालों में नहीं रहे हैं, इसलिए इस बात को सार्वजनिक न किया गया हो। जो भी है, अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। ये सच है, जिस तरह धोनी ने क्रिकेट खेली, जब जब जो जो फॉर्मेट छोड़ा, कभी ऐलान नहीं किया। मदन जी मेरे साथ हैं और हर कोई जानता है कि वर्ल्ड कप तो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। सवाल यह है कि क्या वो अगले साल वर्ल्ड T20 खेल सकते हैं? लगता तो नहीं कि खेल सकते हैं। मुझे यह लगता है कि शायद धोनी न सिर्फ अपना फैसला कर चुके हैं, शायद टीम के जो इंपॉर्टेंट भारतीय क्रिकेट के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो विराट हों या कोच हों या बोर्ड के लोग हों, शायद उनको बता चुके होंगे। शायद हो सकता है, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करना। आपको लगता है कि लेना पड़ेगा, ये ले चुके हैं? देखिए, ले चुके हैं, लेना पड़ेगा, ये अगर ले चुके हैं तो वो उनको बताना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तब भी वो अलग बात, देन वो सिलेक्टर्स के बाद बात चले जाती है। और बाकी इनकी ज़रूरत की अगर आप बात करें, हाँ ज़रूरत की मैं बात ये कहना चाहूँगा, हाँ अगर आप मैच विनर परफॉर्मर बन सकते हैं, या जैसे अभी किसी ने कहा भी हाँ भाई इनकी ज़रूरत है,
तो अगर आपकी ये वैल्यू जो है टीम के अंदर वैसी ही है जैसे पिछले 5-7 साल में रहेगी, फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपसे मैं सवाल करता हूं, आप सिलेक्टर रहे, आप कोच भी रहे, आप खिलाड़ी भी रहे, 19 तारीख को अगर आपके सिलेक्टर्स बैठते हैं, आपके कप्तान बैठते हैं वेस्टइंडीज दौरे के लिए, 3 T20 और वनडे टीम का चयन करते हैं और तब तक धोनी का फैसला नहीं आता है, उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आता है, क्या आप उनको टीम में चुनेंगे? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगा, मैं एज ए चेयरमैन और एज ए सिलेक्टर मैं उनको डायरेक्ट फोन करूंगा, आज आस्क हिम, मैं उसको पूछूंगा, अगर वो कहें कि मैं खेलना चाहता हूं, हां मैं जो भी है, देन इट कम्स टू द डिसीजन, देन क्या है कि मैं सोच देखना कि इसको कौन से कैसे खिलाया जाए अगर वो खेलना भी चाहते हैं। देखिए, आप वेस्टइंडीज का टूर है, आपने 2020 की टीम बिल्डअप करनी है, आपको नए खिलाड़ी ट्राई करने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं जाके तो डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं एमएस धोनी को भी आप ये वेस्टइंडीज टूर जो दौरा है इसके ऊपर आप रेस्ट करें, और मैं रेस्ट मीन ये दौरे पे आप नहीं जा रहे, तो वो चीजें हो सकती, क्योंकि आपको टीम तो कहीं ना कहीं जाके बिल्डअप, क्योंकि आगे आपने टीम का फ्यूचर देखना है, फ्यूचर को देखते हुए आप ये सब बातें ओपनली कर सकते हैं। महेंद्र सिंह आपने लेकिन ये नहीं बताया कि आपकी टीम में वो होंगे कि नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे आप, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि अब महेंद्र सिंह धोनी का टाइम आ चुका हुआ है। अगर मेरे से पर्सनली पूछे, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठा हूं, ऐसे कई डिसीजन हमने लिए हैं जब हम सिलेक्शन कमेटी में होते थे, तब हमने जाके, पर मैं हमेशा मानता हूं कि जैसा जिसकी छवि है उसे बात कर लेना, थोड़ी सी कोई हर्ज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए ये भी मीडिया है, आज तक पर भी हम बात कर रहे हैं, ये भी मीडिया है, लेकिन मीडिया में आजकल मतलब बाकी तमाम जगह बड़ी काइट फ्लाइंग चल रही है, कई तरह की खबरें आपने पढ़ी होंगी, कोई कह रहा है स्प्लिट कैप्टनसी कर दो, रोहित शर्मा को भी कप्तान बना सकते हैं, विराट को भी बना सकते हैं, कोई कह रहा है जी धोनी की छुट्टी हो गई, कोई कह रहा है नहीं जी धोनी तो खेलेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि जब टीम हारती है ना वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, टीम हारती है, बड़ी हार होती है, बड़ा पेड़ गिरता है, तो हर कोई अपनी अपनी जो है वो साख बचाता है, हर कोई अपने अपने लिहाज से स्टोरी को प्लांट करता है, और वो हो रहा है, लेकिन सिंपल सी बात यह है, आप धोनी के फैन हैं या नहीं है, अगले 48 घंटे में ऐलान हो जाना चाहिए इधर विच वे। अगर धोनी ये कहते हैं कि नहीं मैं खेलना चाहता हूं, तो लगता नहीं कि सिलेक्टर्स उस चीज को लेंगे, क्योंकि अगर आपको आगे की टीम बनानी है तो आपको आगे की टीम बनानी है। उस सूरत में यह हो सकता है कि अगर बोर्ड चाहे या कप्तान चाहे, जिस कप्तान ने जिस खिलाड़ी ने इतनी सेवा की उन्हें एक फेयरवेल मैच दिया जाए तो वो हो सकता है, लेकिन जो धोनी की शख्सियत आप जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो इस तरह के इंसान या इस तरह के खिलाड़ी नहीं थे जिसने ये कहा हो कि मुझ पर लाइमलाइट आए। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, वो है कि कोच आपका बदलेगा, वो आपका कोच बदलना ही बदलना है। हालांकि आज BCCI ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशंस डालिए, और उसमें ये लिखा है कि कोच के अलावा जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए एप्लीकेशंस आएंगे, और जो मौजूदा सेट है जिसमें संजय बांगर है, भारत अरुण है, रवि शास्त्री है, उनका ऑटोमेटिक उस प्रक्रिया में नाम चला जाएगा, लेकिन बाहर से और उम्मीदवार आएंगे, और चूंकि 60 साल की उम्र भी इस बार लगा दी गई है कोच के लिए, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री की इस बार छुट्टी होना तय। बदल जाएगा हेड कोच, बदल जाएगा बैटिंग कोच, बदल जाएगा बॉलिंग कोच, बदल जाएगा फील्डिंग कोच। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और टीम इंडिया के थिंक टैंक में बदलाव की बयार बहने लगी है। BCCI ने टीम इंडिया के पूरे सपोर्ट स्टाफ के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया का ऐलान भी कर दिया है। वर्ल्ड कप के साथ ही टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक और ट्रेनर शंकर बासु का करार खत्म हो गया और उसे उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। अब सवाल हेड कोच का है, बाकी का क्या है, क्योंकि आम तौर पर हेड कोच की पसंद के ही बैटिंग और बॉलिंग कोच टीम के साथ काम करते रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेस्टइंडीज रवि शास्त्री की कोचिंग का आखिरी दौरा होगा। इस बार काबिलियत के हिसाब से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में टीम उन्हीं कमजोरियों के चलते हार गई जिस पर कई महीनों से लिखा और बोला जा रहा था। हालांकि टीम मैनेजमेंट बार बार कहता रहा कि सब कुछ सेट है। BCCI ने अभी यह तय नहीं किया है कि कोच चुनेगा कौन, इस सवाल का जवाब तलाशना भी BCCI के लिए किसी बवाल से कम नहीं है।
क्योंकि पिछली बार कोच चुनने के लिए बीसीसीआई ने एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। इसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण शामिल किए गए थे, लेकिन रवि शास्त्री के इंटरव्यू और उनके चयन को लेकर पसंद और नापसंदगी का ऐसा दौर चला कि तमाम विवाद सुर्खियां बनते चले गए। अब कोच कौन आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन कोचिंग स्टाफ की तस्वीर बदलने पर तकदीर बदलने का इंतजार। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दो साल पहले शायद विराट की बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी जब उन्होंने अनिल कुंबले की जगह रवि शास्त्री को तवज्जो दी और काफी लड़ाई हुई, लेकिन रवि शास्त्री कोच बन गए। वर्ल्ड कप भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रवि शास्त्री को एक्सटेंशन दी जानी चाहिए या फिर कोच कोई और होना चाहिए? नहीं, जहां तक मेरे को लगता है, जैसे जहां तक मैं रवि शास्त्री को जानता हूं, वो अप्लाई करेगा ही नहीं। आपको लगता है? 100% मेरे को लगता नहीं कि वो अप्लाई करेगा, क्योंकि हैड ए गुड रन चार से ये वर्ल्ड कप, उसके बाद में चार साल हो गए उनको कोच बने हुए। दो साल, एक साल पहले, फिर दो साल हो गए। हाँ, चार साल हो गए ना, तो दो तीन साल हो गए। और उसके बाद क्या है कि मेरे विचार में थोड़े से यू नो लाइक फ्रेश जो कोच आना चाहिए, थोड़े आइडिया डिफरेंट आएंगे, एक थोड़ी सी बस आती है टीम में, ये थोड़ा पता चेंज होना चाहिए। और पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे को लगता है अप्लाई करेगा। ये ही हैड ए गुड रन, मतलब उन्होंने अच्छा आपने जो किया दम से किया, और उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि आप देख लेना 30 तारीख से, जो मेरा विचार कह रहा है। नहीं, सही बात है, क्योंकि हालांकि ये बीसीसीआई ने कहा है कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन वो कभी भी अपने नाम को विड्रॉ कर सकते हैं। और 60 साल की उम्र भी रखी गई है, 57 की उम्र हो चुकी है रवि शास्त्री की, और अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखेंगे तो 4 साल बाद वर्ल्ड कप है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सपोर्ट स्टाफ का क्या होगा, बड़ा सवाल ये भी है कि इन्हें चुनेगा कौन। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी एक बनाई गई थी तेंदुलकर, लक्ष्मण और सौरभ गांगुली, अब उसने तो रिजाइन कर दिया है, वो रेजिग्नेशन एथिक्स ऑफिसर के पास भी चले गए हैं। अभी एक इंटरिम सीएसी भी बनाई गई थी जिसमें कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांतारंगा स्वामी थे। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का ऐलान करना होगा जो ये बड़ा फैसला लेगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर और रोशनी डल सकती है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि मदन जी ने क्या बोला वो आपने सुन लिया, लेकिन आपकी राय क्या है? क्या आप धोनी फैन हैं? क्या आप चाहते हैं कि धोनी रिटायर हो, या आप चाहते हैं कि धोनी और खेले? आप अपनी राय लेकर आइए रात 8 बजे आज का एजेंडा स्पोर्ट्स तक पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके सवाल भी लिए जाएंगे, आपकी राय भी ली जाएगी रात 8 बजे, वहीं पर अब ये बहस होगी। इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न अभी भी चल रहा है। कल खिलाड़ी ओवल मैदान में गए थे जहां पर फैंस आए, आज गए 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के पास। ये देखिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, मॉर्गन कप्तान, उनके साथी खिलाड़ी। दिलचस्प मुकाबला था शायद, वर्ल्ड कप इतिहास तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन शायद वनडे क्रिकेट इतिहास में इतना टेंस और इतना बड़ा मुकाबला अक्सर देखने को नहीं मिलता। ज्यादा चौके लगाने के कारण इनको ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिली थी। ये कल के दृश्य हैं, कल ओवल मैदान में गए थे खिलाड़ी। लंदन में दो मैदान है, लॉर्ड्स, नॉर्थ लंदन में गिना जाता है, और फिर साउथ टेम्स नदी के इस तरफ ओवल मैदान। उधर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी वर्ल्ड कप की 11 चुनी है, जैसे कल आईसीसी ने चुनी थी, उसमें 2 भारतीय खिलाड़ी थे, लेकिन सचिन ने जो चुने उसमें 5 भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप 11 में नहीं है, ये उनकी टीम है। सचिन ने सोशल मीडिया पर अपने 11 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी चुने हैं, केन विलियमसन को उन्होंने कप्तान बनाया है, और इस टीम में 5 भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसमें महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी। सचिन ने 5 भारतीय खिलाड़ी चुने हैं अपने वर्ल्ड कप 11 में, हालांकि शायद इंडियन क्रिकेटर और इंडियन फैन के नाते उन्होंने ज्यादा भारतीय खिलाड़ी चुन लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और वर्ल्ड कप फाइनल हारने वाली टीम में से कम खिलाड़ी इस टीम में हैं।
हालांकि आईसीसी की टीम में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, लेकिन सचिन ने पांच खिलाड़ियों को चुना है जिसमें धोनी नहीं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन फटाफट से जाएं यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। रात 8 बजे बड़ा सवाल, अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या धोनी खुद रिटायरमेंट का फैसला करेंगे या फिर सिलेक्टर्स की तरफ से यह फैसला आएगा। यह बड़ा मोमेंट है भारतीय क्रिकेट में, इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे आ जाएं। फिलहाल इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।